हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग में जो लड़का काउंसलिंग किया है उन लोगों का कट ऑफ कितना रहेगा, और सारे कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा और सारे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि एसएमएस कॉलेज से शुरू करके और न्यू कॉलेज तक मैं ख़त्म करूंगा। तो सारे कॉलेज के बारे में सारे कट ऑफ देंगे, ताकि सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करे थे कि भैया मेरे पास इतना नंबर है, मेरा कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। धन्यवाद। तो मैं चलते हैं अपने कट ऑफ के साथ, आपको ले चलते हैं कट ऑफ का विजिट कराने। सबसे पहले मैं एसएमएस कॉलेज के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम अब बताने वाले हैं कि राजस्थान में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और उन कॉलेजों का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एसएमएस कॉलेज जो जयपुर के अंदर है उसमें आपको बॉय और गर्ल का कितना कट ऑफ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू से अंत तक हम देखेंगे कि आपके जो जनरल कैटेगरी के बॉय होंगे उनका 87 और 89 के बीच में कट ऑफ रहेगा, और जो होंगे बच्ची जिनका एसएमएस कॉलेज में एडमिशन कराना होगा उनका कट ऑफ जो है 85 से लेकर 86 जाएगा। ठीक है, ओबीसी में 84 और गर्ल में ओबीसी जो है उनका 82 जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमबीसी, और एमबीसी में 82 नंबर कट ऑफ जाएगा और 80 नंबर कट ऑफ गर्ल में जाएगा। एसटी एससी की बात कर ले तो 79 और से लेकर 81 के बीच में, और 77 जो है गर्ल के कट ऑफ जाने वाला है इस बार। तो इस बार 2023 में पीडब्ल्यूडी का एसएमएस कॉलेज का 62 और 60 नंबर पर कट ऑफ जाने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का 83 से 85 और 81 से 82 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। अब अगला कॉलेज आरयूएसएस कॉलेज है जिसका कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ, जो इस बार उसका कट ऑफ क्या होने वाला है, यानी कि 2023 में उसका कट ऑफ क्या होगा। तो आपको कैटेगरी दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का कट ऑफ दोनों आपको मैं बताऊँगा। जो जनरल कैटेगरी के बॉय हैं उनका 76 और 86 के बीच में कट ऑफ रहेगा, और वहीं जो गर्ल होंगी जनरल कैटेगरी में उनका 74 से लेकर के 75 के बीच में कट ऑफ होने वाला है इस बार। वैसे ही आप देख लीजिए कि ओबीसी का भी 74 से लेकर 75 और गर्ल में भी 71 से लेकर 76 तक होने वाला है। वहीं बात अगर ईडब्ल्यूएस की कर लिया जाए तो 73 से लेकर के 74 में बॉय में, और 70 से लेकर 73 के बीच में आपको गर्ल का कट ऑफ रहेगा। एमबीसी में अगर बात कर ली जाए तो 72 और गर्ल में 70, एससी और एसटी की बात किया जाए तो 70 से बिलो यानी 70 से कम रहेगा, या 69 हो या 68 हो, 68 या 69 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। वहीं अगर बात गर्ल में कर ले तो 77 भी नहीं रहेगा, 76 या 75 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीडब्ल्यूएस तो हो ही गया है, उनका काउंसलिंग कर ही दिया गया है, उनका लिस्ट आ ही गया है, वह 52 से लेकर के 50 तक जाने वाला है। अब रही बात कि ओल्ड कॉलेज जितने भी बचे हुए हैं उनका कट ऑफ इस बार कितना होना चाहिए, मतलब कितना तक हो जाएगा। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उन लोगों का कट ऑफ मेरा इतना नंबर है, इतना नंबर है, अब कैसे होगा, कौन कॉलेज मिलेगा। तो सारे बच्चों का मैं डाउट आज दूर करने वाला हूँ, सारे बच्चों का डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज सारे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लूँगा, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ क्या हुआ। तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 73 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर है तो उसमें एडमिशन हो जाएगा, और वहीं गर्ल की बात किया जाए तो वहीं आपको 70 नंबर यानी कि 17 नंबर से हो जाएगा, 17 नंबर में आपका गर्ल का उसमें हो जाएगा, बाकी सब ओल्ड कॉलेज में। वहीं ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस में 72, गर्ल में 69, एस सी और एस टी में 69 और 65 जो है आपका गर्ल में हो जाएगा। एम बी सी में 70 और 69 होगा आपका गर्ल में, पी डब्ल्यू डी का 47 और से लेकर के 45 के बीच में होगा। इसमें थोड़ी सी इधर उधर एक नंबर हो सकती है आगे पीछे, इसकी कोई यथी नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग एक नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये नंबर एक से दो नंबर से ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, जो बताया जा रहा है उतना ही में होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे नए अपडेट आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले पता लग जाए। अब बात करते हैं अगला कॉलेज कौन सा है। अब वैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो 2021 से 22 में आपको ओपनिंग हुई है उनका कट ऑफ कैसे होगा, कितना जाएगा। तो उनका कट ऑफ जो जनरल के बच्चे होंगे उनका 67 से 69, जो गर्ल होंगे वह 64 से लेकर 66 तक कट ऑफ जाने वाला है इस साल, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। और वहीं ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी का कट ऑफ इस साल इसमें सेम होने वाला है, यानी 66 से लेकर 63, और एस टी और एस टी का जो कट ऑफ होगा वह 64, 61 गर्ल में, और वहीं पी डब्ल्यू जी होंगे वह 38 से भी ज़्यादा नंबर होगा तो उनका हो जाएगा, वहीं गर्ल में होंगी तो उनका 35 नंबर से भी ज़्यादा रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बात करता हूँ कि एमबीसी में कितना कट ऑफ होगा। तो 64 और 66 के बीच में लड़के और लड़कियां का एडमिशन एमबीसी कैटेगरी में हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं अगले कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपके सामने आने वाला है अब 2022 से 2023 के गवर्नमेंट कॉलेज, जो आप लोग उसमें मतलब दूसरे
सेशन वाले हैं, यानी कि आप लोग से पहले एक बैच उसमें चल रहा है, वह उसका कट ऑफ कितना इस बार जाने वाला है। तो उसका कट ऑफ इस बार आपको मैं बता दूं कि उसमें जो बॉय और गर्ल होंगे उनका कट ऑफ क्या होगा। जो बच्चे जनरल में होंगे उनका तो 64 से लेकर 62, यानी कि बॉय और गर्ल 62 में अगर होंगे, 64 से लेकर 62 में होंगे तो उनका एडमिशन पक्का है। और OBC और EWS में जो 62 से लेकर 60 नंबर भी आया हुआ है उनका उसमें एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चे MBC से आते हैं उनका 62 और 60, यानी कि OBC, EWS और MBC का कट ऑफ इस बार उसमें सेम जाने वाला है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, एक नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। SC और ST में जो है 60 से लेकर 61 और 58 के बीच में लड़कियां का एडमिशन उसमें हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो कॉलेज 2023 और 24 यानी कि जो कॉलेज इस बार ओपनिंग हुआ है उसका कट ऑफ इस बार क्या होना चाहिए और क्या होगा। वैसे कॉलेज जिसमें आप लोगों का पहला बैच होगा, आप लोगों से सीनियर कोई उसमें बैच नहीं पढ़ रहा है, उसमें आपको मैं बता दूं कितना कट ऑफ हो रहा है कि सुनने में या चर्चा में या सीट मैट्रिक्स में आया हुआ है। आपको मैं सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो कॉलेज 2023 में खुला हुआ है उसका मैं सीट मैट्रिक्स में आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो 2023 में ओपन हुआ है, उनका कट ऑफ इस साल क्या होने वाला है। तो उनका जनरल का कट ऑफ जो है 62 और गर्ल में 60 नंबर होगा। OBC और EWS जो है उसमें 60 नंबर जिनका आया हुआ होगा उसका भी एडमिशन उसी कॉलेज में होगा जो इस साल ओपनिंग हुआ है, और गर्ल में 58। MBC का भी सेम कट ऑफ जाने वाला है, ST और ST का 2 नंबर कम कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे आदित्य अमित ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सारी कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर दिया, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को यह मालूम चल जाए कि किसका कट ऑफ कितना होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे अभी बोला है कि 2023-24 में कौन सा कॉलेज खुला है, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका सीट मैट्रिक्स है, और सीट मैट्रिक्स है, और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों का 2022 और 24 में कौन सा कॉलेज है जो इस बार ओपनिंग हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक 28 नंबर पर दिख रहा है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एक है नागौर में है और एक चित्तौड़ में है, दो कॉलेज इसमें दिख रहा है। और एक और कॉलेज है जो आपको मैं आपको दिखा दूँ सीट मैट्रिक में, यहाँ पे है 31 नंबर पर कॉलेज है जिसका भी चित्तौड़ में खुला हुआ है, यहीं 2024 के गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जिसका कट ऑफ ये रहने वाला है। फिर मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कौन सा है और उसका कट ऑफ कितना होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।